अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चले। शाहीन अफरीदी ने 3 हफ्तों के आराम के बाद कलंदर हाइपर परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग शुरू कर दी। हम आपको मुकम्मल अपडेट से आगाह करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। PSL का फ़ायदा होगा, मेरा बॉलिंग के साथ बैटिंग पर भी फोकस है। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद एजाज की बात है। शाहीन शाह अफरीदी 3 जनवरी 2022 कप्तान लाहौर कलंदर। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 हफ्तों के आराम के बाद कलंदर हाई पर परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस मौके पर शाहीन शाह अफरीदी ने बताया कि PSL का फ़ायदा होगा, मेरा बॉलिंग के साथ बैटिंग पर भी फोकस है। उन्होंने बताया कि कलंदर हाई पर परफॉर्मेंस करते सेंटर में शानदार सहूलतें हैं, नौजवानों को फ़ायदा हो रहा है। शाहीन अफरीदी ने कहा कि ICC प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगी एजाज की बात है। मेरा ख्याल था कि टेस्ट के लिए भी मेरा नाम आएगा। फास्ट बॉलर का कहना था कि मजीद मेहनत करूँगा। अवार्ड के लिए नाम आना भी एक एटीट्यूड है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के